टी यू पी एम ई टी यू एल ई टी सी यू एम टी टी आर या फिर एम टी पी एफ के बारे में जानते हैं अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए है सबसे पहले किसी भी मशीन के टाइम इलस्ट्रेशन को समझते हैं प्रोडक्शन टाइम इक्विपमेंट स्टॉप टाइम इक्विपमेंट प्रोडक्शन टाइम कहलाता है दोनों मिलकर और अगर हम इसमें अदर स्टॉप्स को टाइम को भी ऐड करते हैं तो ये हमारा प्रोडक्शन फेज कहलाता है प्रोडक्शन टाइम इक्विपमेंट स्टॉप्स प्लस अदर स्टॉप्स को अगर मिला दें तो ये हमारा अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम के अंतर्गत आता है अगर इसमें हम सी या फिर प्लान स्टॉप को भी ले लें तो ये हमारा आउट फेज प्रोडक्शन कहलाता है आउटसाइड प्रोडक्शन फेज यानी सी और प्लान स्टॉप को अलग हटा दें तो ये दोनों मिलके आउटसाइड प्रोडक्शन फ़ेज कहलाता है प्रोडक्शन टाइम इक्विपमेंट स्टॉप टाइम अदर स्टॉप टाइम सी और प्लान स्टॉप्स सभी को अगर हम ऐड करें तो यह हमारा अवेलेबल टाइम कहलाता है और बाकी जो अनप्लान टाइम बचा उसको अगर हम ऐड करें यानी कि प्रोडक्शन टाइम इक्विपमेंट स्टॉप टाइम अदर स्टॉप टाइम सी आई पी प्लान स्टॉप और अनप्लान टाइम को भी अगर ऐड करें तो ये हमारा टोटल टाइम कहलाता है आइए जानते हैं अवेलेबल टाइम के बारे में द टाइम ड्यूरिंग विच द नेसेसरी लाइन फॉर प्रोड्यूसिंग पैकेज हैफॉर्म्स वह समय जो पैकेट बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है या यूज किया जाता है हमारा अवेलेबल टाइम कहलाता है टाइम आउटसाइड प्रोडक्शन फेज द एकोमलेटेड टाइम इंटरवल यूज फॉर द प्रिपरेशन फेज द आफ्टर प्रोडक्शन फेज एंड द प्लान मेंटेनेंस फेज इच फेज कैन इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग टाइम द इक्मेंट स्टॉप टाइम एंड द अदर स्टॉप टाइम यानि कि टाइम आउटसाइड प्रोडक्शन फेज इसमें ऑपरेटिंग टाइम इक्विपमेंट स्टॉप टाइम और अदर स्टॉप टाइम को ऐड uh, किया जाता है यानी वो हमारा आउटसाइड प्रोडक्शन फेज कहलाता है इक्विपमेंट स्टॉप टाइम टाइम विथ इन द प्रोडक्शन फेज ड्यूरिंग विच द इक्विपमेंट बिकम आइडल बिकॉज ऑफ रीजन ड्यू टू इक्विपमेंट यानी इक्विपमेंट की वजह से यानी इक्विपमेंट में किसी ब्रेकडाउन uh, की वजह से अगर मशीन आइडल में रहती है तो वह हमारा इक्विपमेंट स्टॉप टाइम कर लाता है नोट वर्क टाइम जैसा कि नाम सही जा ही रहे कि द टाइम इंटरविल ड्यूरिंग विद इक्विपमेंट इज़ नॉट यूज यानी उस दौरान उस इक्विपमेंट का आपने यूज़ नहीं किया वेन देर इज नो और नीड टू वी प्रोड्यूस और नो प्रोडक्शन इज प्लान यानी आपका प्रोडक्शन प्लान ही नहीं रहा कंप्लीट मसीन आइडल में रहा टोटल टाइम द कंटिन्यूस टाइम इंटरवेल ड्यूरिंग विच द परफॉर्म ऑफ द इक्विपमेंट इज कंसिडर इट कु ट्वेंटी फोर आवर अ वीक और अ मंथ यानि एक प्रोडक्शन फेज के लिए यानी कि एक प्रोडक्शन टाइम के लिए आप जो समय कंसीडर करते हैं वो हमारा टोटल टाइम कहलाता है या चौबीस घंटे का भी हो सकता है एक वीक का भी हो सकता है और एक मंथ का ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि आपका स्टैंडर्ड क्या है प्रोडक्शन कैलकुलेशन का एमएमई मशीन मैकेनिकल इफ़िशेंसी पहले इसके डिफिनेशन uh, को देखते हैं हाउ विल द इक्विपमेंट इज़ वर्किंग ड्यूरिंग द अवेलेबल इक्विपमेंट प्रोडक्शन टाइम प्रोडक्शन के टाइम uh, के दौरान मशीन कितनी अच्छी चली यह हमें uh, यह बताता है एम एम ई इसका यूनिट परसेंटेज होता है और uh, इसका फार्मोलेशन की बात करें तो प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड by product प्रोडक्शन टाइप प्लस इक्विपमेंट स्टॉप into हंड्रेड एक एग्जांपल लेते हैं मान लेते हैं प्रोडक्शन टाइप 400 मिनट का है और इक्विपमेंट स्टॉप 95 मिनट तो हमारा एमएमई होगा 400 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 95 इनटू हंड्रेड और रिजल्ट आएगा 80.80, यानी उस समय इस प्रोडक्शन फेस का हमारा एम एम ई एट्टी पॉइंट एट जीरो निकल कर आएगा पी टी यू प्रोडक्शन टाइम यूटिलाइजेशन इसकी डिफिनेशन की बात करें तो हाउ विल द इक्विपमेंट यूटिलाइज ड्यूरिंग द अवेलेबल प्रोडक्शन यानी कि अवेलेबल प्रोडक्शन के दौरान आपने मशीन को कितना अच्छा तरीके से यूटिलाइज किया ये उसको बताता है इसका भी यूनिट परसेंटेज है अगर फार्मूला की बात करें तो प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाई प्रोडक्शन टाइम प्लस इक्विपमेंट स्टॉप प्लस अदर स्टॉप इन टू हंड्रेड इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं प्रोडक्ट मान लेते प्रोडक्शन टाइम फिर 400 मिनट का है क्पमेंट स्टॉप टाइम 95 फाइव और इसमें अदर स्टॉप को ऐड करते हैं जैसे कि एम में हम लोगों ने अदर स्टॉप को ऐड नहीं किया था लेकिन इसमें एक एडिशन होता है अदर स्टॉप्स मान लेते हैं ये थर्टी फाइव मिनट का है तो हमारा पी टी यू निकल कर आएगा फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड प्लस नाइन्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव इन हंड्रेड और Uh, इस कंडीशन में मशीन का पीटीयू सेवेंटी परसेंट होगी चलिए आगे बढ़ते हैं एम टी बी एफ मीन टाइम बिटवीन फेलअर डिफिनेशन की बात करें तो मीन प्रोडक्शन टाइम बिटवीन फेलअर फॉर स्टॉप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन फेज कॉज बाई द इक्विपमेंट इक्विपमेंट की वजह से मशीन का रुकने का जो ड्यूरेशन रहा वो यह दर्शाता है जिसका यूनिट आवर होता है फार्मूलेशन की बात करें तो प्रोडक्ट प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विपमेंट स्टॉप्स इक्विपमेंट मान लेते इक्विपमेंट स्टॉप टाइम 400 हंड्रेड मिनट नंबर ऑफ इक्विपमेंट स्टॉप 10 मिनट सॉरी oh, 10 टाइम्स 10 टाइम्स तो एम टी एफ विल बी फोर्टी मिनट्स यानी एक मशीन 400 मिनट तक आ, रुकी हुई रहती है और वो 400 मिनट दस बार में रुकती है तो so, हमारा एम टी एफ फोर्टी मिनट्स आएगा हंड्रेड को टेन से डिवाइड करेंगे तो यानी कि फोर हंड्रेड का टेन टाइम्स का मीन वैल्यू फोर्टी मिनट्स आएगा एम टी टी आर मीन टाइम टू रिस्टोरेशन इसकी डिफिनेशन की बात करें तो द एवरेज टाइम द इक्विपमेंट इज नॉट ऑपरेट अ स्टॉप कॉज बाई द इक्विपमेंट हैज़ अकर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन फेज इट्स टेक्नीसन इफेक्टिवनेस इसका भी यूनिट्स आवर ही होता है एम टी टी आर मीन्स जो आपका ब्रेकडाउन हुआ उसको मशीन को रिस्टोर करने में क्या एवरेज टाइम लगा ये ये उसको डिफाइन करता है और ये बेसिकली शिफ्ट टेक्नीशियन का इफेक्टिवनेस को भी एनालाइज करता है इसकी फार्मूला की बात करें तो इक्विपमेंट स्टॉप टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विपमेंट स्टॉप मान लेते हैं इक्विपमेंट स्टॉप टाइम 200 मिनट का है एक शिफ्ट में नंबर ऑफ इक्विपमेंट स्टॉप टेन टाइम्स यानी टू हंड्रेड मिनट जो रुका है वो दस बार में रुका है तो इसका एम टी टी आर निकल कर आएगा टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टेन विल बी ट्वेंटी मिनट यानी एक उस ब्रेकडाउन को रिस्टोर करने का जो समय है वो ट्वेंटी मिनट का रहा है एक एवरेज समय एल ई लाइन इफिशेंसी इसके डिफिनेशन की बात करें तो हाउ वेल द लाइन इज वर्किंग ड्यूरिंग द अवेलेबल इक्वमेंट प्रोडक्ट टाइम इन रिलेशन टू इट्स नॉमिनल कैपेसिटी आपका मशीन नॉमिनल कैपेसिटी के अगेंस्ट कितना बेहतर परफॉर्म किया है यह उसको दर्शाता है फॉर्मूला की बात करें तो अप्रूव पैकेज आउट फ्रॉम मशीन डिवाइडेड बाई अवेलेबल प्रोडक्ट टाइम इंटू नॉमिनल कैपेसिटी इंटू हंड्रेड ट्वेंटी फोर आवर का कैलकुलेशन लेते हैं मान लेते हैं प्रोडक्शन आपका ट्वेंटी फोर आवर में एक लाख अड़सठ हज़ार पैक्स हुआ है बट इसका नॉमिनल कैपेसिटी पर आवर ट्वेंटी फोर थाउजेंड लेते हैं तो ट्वेंटी फोर आवर में ये अराउंड वन नाइन्टी टू थाउजेंड पैक्स uh, प्रोड्यूस करने चाहिए थे बट यह मशीन वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड पैक प्रोड्यूस की है तो एल क्या हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई वन नाइन्टी टू तो इसका कैलकुलेशन आएगा 87.50 यानी इस दौरान आपका मशीन 87.50 एल ई रहा इसको दूसरी तरफ भी, से भी देख सकते हैं एल इक्वल एक्चुअल एक्चु, प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई थ्रिटिकल प्रोडक्शन टू हंड्रेड टी यू टोटल यूटिलाइजेशन हाउ वेल द इक्विपमेंट यूटिलाइज डूरिंग द अवेलेबल टाइम अवेलेबल टाइम के दौरान आपने मशीन को किस तरह से यूटिलाइज किया कितना यूटिलाइज किया ये उसको दर्शाता है इसका भी यूनिट परसेंटेज होता है फार्मूला की बात करें तो प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाई इक्विपमेंट स्टॉप्स अदर स्टॉप्स आउटसाइड प्रोडक्शन टू हंड्रेड एक ट्वेंटी फोर आवर प्रोडक्शन साइकिल के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं मान लेते इक्विपमेंट स्टॉप टाइम नाइन्टी मिनट है आउटसाइड प्रोडक्शन वन ट्वेंटी मिनट अदर स्टॉप्स टाइम थर्टी मिनट यानी ट्वेंटी फोर आवर के दौरान ट्वेंटी फोर आवर के साइकिल में आपका इक्विपमेंट स्टॉप नाइन्टी मिनट का रहा आउटसाइड प्रोडक्शन फेज वन ट्वेंटी मिनट का रहा और अदर स्टॉप्स को अगर ले लो तो थर्टी मिनट का रहा तो हमारा टी यू निकल कर आएगा ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइडेड बाई नाइन्टी प्लस थर्टी प्लस वन ट्वेंटी इन हंड्रेड विल विथ टी सी यू टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिफिनेशन की बात करें हाउ वेल द इक्विपमेंट यूटिलाइज ड्यूरिंग द टोटल कैलेंडर टाइम टोटल कैलेंडर टाइम के दौरान अपने मशीन को किस तरीके से यूटिलाइज uh, किया यह उसको बताता है फार्मूला की बात करें तो प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाय कैलेंडर टाइम इट कुड बी वन मंथ्स इन हंड्रेड मान लेते हैं एक महीने में आपका बारह दिन ही प्रोडक्शन चला यानी आपने बारह दिन ही मशीन का यूटिलाइज किया जो कि सत्रह हज़ार दो सौ अस्सी मिनट का होता है और कैलेंडर टाइम आपने लिया है थर्टी डेज यानी वन मंथ तैंतालीस हजार दो सौ मिनट आपको मशीन का यूटिलाइज़ आप कर सकते थे बट आपने सत्रह हज़ार दो सौ अस्सी मिनट का किया ये किसी भी कारण से हो सकता है हो सकता है आपके प्लांट में प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट ना हो मशीन आइडल में हो या फिर ब्रेकडाउन में हो तो टी इसका निकल के आएगा आ, उस फार्मूला में अगर इसको रखते हो तो सत्रह हज़ार दो सौ अस्सी डिवाइडेड बाई तेरह हजार हजार दो सौ इंटू हंड्रेड तो टी सी परसेंट ही रहा यानी आपने टोटल मशीन का यूटिलाइजेशन फोर्टी परसेंट किया पी एम ई पैकेजिंग मटेरियल एफिशिएंसी। डिफिनेशन की बात करें तो हाउ वेल द इक्विपमेंट इज यूजिंग पैकेजिंग मटेरियल इन द प्रोडक्शन प्रोडक्शन फेज के दौरान आपने जो आपका पैकेजिंग मटेरियल का कितना यूटिलाइज किए यानी कितना यूज किए ये उसको दर्शाता है इसका भी यूनिट परसेंटेज होता है फार्मूला की बात करें तो पीएम इक्वल अप्रूव पैकेट आउट डिवाइडेड बाय अप्रूव पैकेट आउट प्लस इक्विपमेंट वेस्ट इनटू हंड्रेड मान लेते हैं अप्रूव पैकेट चार लाख अस्सी हजार है और इक्विपमेंट वेस्ट पाँच हज़ार तो हमारा पी एम ई निकल कर आएगा नाइन्टी एट पॉइंट नाइन सिक्स वेस्ट हाउ मैनी पैकेट वेस्ट अगेंस्टिंग यूज लेमेट आप जो लेमनेट यूज किए हैं उसके अगेंस्ट आपने कितना पैकेट वेस्ट किया ये उसको दर्शाता है इसका भी परसेंटेज यूनिट परसेंटेज ही होता है वेस्टेज नंबर ऑफ पैकेट वेस्ट डिवाइडेड बाय वे टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस पैकेट इन टू हंड्रेड मान लेते हैं आपने तीन सौ अस्सी पैकेट वेस्ट किया और दो लाख चालीस हज़ार पैकेट प्रोड्यूस किए तो आपका वेस्टेज परसेंटेज हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट वन फाइव एक रिव्यू लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ एम टी बी एफ इट इज़ बेसिक इंडिकेटर टू प्रिडिक्ट रिलायबिलिटी ऑफ मशीन ये एक बेसिक इंडिकेटर है इफ़ द मशीन एम टी वी एफ हेज़ इंक्रीज आफ्टर ए पीवेंटिव मेनटेनेंस एक्टिविटी दैन दिस इंडिकेट ए क्लियर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ योर एक्टिविटी अगर शड्यूल uh, मेंटेनेंस के बाद आपका मशीन बेहतर परफॉर्म कर रही है तो ये क्लियर uh, इंडिकेटर है कि आपने जो एक्टिविटी किया है वो बहुत बेहतर तरीके से किया है इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लिन मैन्युफैक्चरिंग कल्चर आपके फैक्ट्री में लिन मैनुफैक्चरिंग कल्चर के लिए ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है द एम टी वी आई इनकी वेल सो दैट योर मैंटेनेस और वेरीफिकेशन मैथड्स आर गोइंग गुड जैसा कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ इट रिड्यूस लॉसेस इन प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट की क्वालिटी और, और को इम्प्रूव करता है और साथ ही लॉस को कम करता है क्वाई एम टी टी आर इज इम्पोर्टेंट एम टी टी आर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इट हैज़ ए रिमार्केबल इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट Long MTTR means loss of productivity, and sometimes an organization can miss an order. It can impact business relationships. It reduces losses in productivity and also improves the quality of the product. How can improve MTTR? To reduce the impact of MTTR, organizations should have their own maintenance team and all critical spare parts on site. Implement and follow the troubleshooting concept by provide training on quick repair and motivation of team. Follow the standardized operation procedure and keep the critical spare parts in stock. Thanks friend. We'll see you next और ये मेरा सोशल मीडिया एड्रेस है अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मिल सकते हैं थैंक यू